हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे विद्युत अपघटन का गणनात्मक विश्लेषण, जिसमें हम फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम को सीखेंगे। आज हम बात करेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। लास्ट क्लास में हमने देखा था विद्युत अपघटन क्या होता है, जिसमें हमने ये सीखा था कि कैथोड और एनोड पर कैसे कुछ तत्व और कुछ गैस का निर्माण हो रहा था। वहीं अगर हम बात करें कितने तत्वों और कितने गैसों का निर्माण होगा, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो आइए देखते हैं, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन से प्राप्त होने वाले तत्व या यौगिक का जो भार होगा, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त आवेश की मात्रा के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड या कैथोड पर जो भी हमें तत्व का भार मिलेगा ग्राम में, वो भार निर्भर करेगा आवेश की मात्रा क्यू के। तो हम यहाँ बात करेंगे W समानुपाती Q। यहाँ W है तत्व या यौगिक का ग्राम्य भार। तो समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो एक नियतांक आएगा, उसे हम जेड से लिखेंगे। तो W बराबर जेड गुणे क्यू, जहां पे जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जेड बराबर होता है तुल्यांकी भार, जिसे हम कैपिटल E से लिखेंगे, बटे 96,500। ये हमें याद रखना है, एक नियतांक के रूप में हमें इसको हमेशा याद रखना है, जेड बराबर तुल्यांकी भार बटे 96,500। अब वहीं अगर हमने समीकरण नंबर एक में ये मन पुट कर दिया तो मुझे मिलेगा W बराबर E अपान 96,500 गुणे क्यू। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं Q बराबर होता है I गुणे T, क्योंकि हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बाई T, तो वहां से हमें यहाँ मिल जाएगा Q बराबर I गुणे T। हम ये भी जानते हैं Q बराबर Ne, तो जहां जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तो हम इसको निकाल सकते हैं कि जहां N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो आगे की हम चर्चा करें, अगर हमने यहीं पे Q के स्थान पर I गुणे T कर दिया, तो हमारा जो फार्मूला बन के आएगा वो आएगा W बराबर E गुणे I गुणे T बटे 96,500। हमारा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा, जहां पे हम बात करें कि जो I है वो है आपकी प्रवाहित विद्युत धारा, और जो समय T है वो है विद्युत अपघटन में लगा समय, विद्युत अपघटन में लगा समय। ये हमें ध्यान देना है कि जो धारा होगी वो एम्पियर में और जो समय होगा वो सेकेंड में। ये हमें याद रखना है कि एम्पियर में धारा ना देकर कभी कभी वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दे सकता है। तो हमें अगर ये याद नहीं होगा तो हम गलती कर बैठेंगे, और बिना हमें चेंज किए सवाल नहीं लगाना है, मात्रक का खास ध्यान रखना है। क्योंकि हम ये जानते हैं ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार। ग्राम में भार होता है W और तुल्यांक की भार को हमने लिखा है E से, और ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक बराबर W अपान E, ये हमें पहले से पता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ग्राम तुल्यांक बराबर हमें पता है पदार्थ का ग्राम तुल्यांक बराबर W, और W का मान हमने ऊपर ये पढ़ रखा है, तो हमने W के स्थान पर ये मान रख दिया, और बटे ई, ये वही है तुल्यांकी भार, ये भी तुल्यांकी भार है, ये भी तुल्यांकी भार है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद हमें जो मिलेगा वो हमारा फार्मूला बना आई गुणे टी बटे 96,500। ये हमें याद रखना है, यदि मैं पदार्थ का ग्राम तुल्यांक मालूम है तो मुझे फार्मूला आई गुणे टी बटे 96,500 लगा देने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब देखिए आगे, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्राप्त पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, अब देखिए I गुणे टी को हम क्यू भी लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लिख दिया क्यू अपान 96,500 बराबर I गुणे टी बटे 96,500। ये हमारा चौथा समीकरण मिल गया। अब आगे हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे। आइए सीखने की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेंगे। पहला सवाल आप देखिएगा, पहला सवाल देखिएगा, एक मोल मैग्नीशियम प्लस टू आयन से हम कहेंगे एक मोल मैग्नीशियम प्राप्त करने में आवश्यक आवेश का मान फैराडे में ज्ञात कीजिए, आवश्यक आवेश का मान फैराडे में ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, क्या मुझे मालूम है Mg प्लस टू, ये हमें मैग्नीशियम आयन दिया हुआ है और हमें मैग्नीशियम प्राप्त करना है। तो ये जो आयन होंगे ये कहाँ पे होंगे, ये आपका जो एनोड और कैथोड का जो विलयन होगा, वो जो विद्युत अपघट्य होगा वो किसका होगा, मैग्नीशियम का ही होगा, इसे MgCl2 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मैग्नीशियम आयन हुआ ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, तो वहां जाएगा तो वहां जम जाएगा, तो वही कितना एक मोल हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ बैटरी में कितना आवेश देना चाहिए बैटरी के द्वारा,
ताकि हम 1 मोल मैग्नीशियम प्राप्त कर लें। आइए इस सवाल को कैसे हल करते हैं, जरा देखिएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इस पे काफी सवाल पूछे जाते हैं। हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस टू जो कि 1 मोल है, हमें प्राप्त करना है मैग्नीशियम इस सॉलिड रूप में। तो निश्चित रूप से अगर मुझे Mg प्लस टू से Mg प्राप्त करना है, इसकी जो ऑक्सीकरण की संख्या की बात करें तो वो इसका है प्लस दो, वो इसका है प्लस दो, और बात करें इसके लिए तो इसका है जीरो। तो यहां से हम देखें प्लस दो से जीरो, तो मुझे अगर प्लस दो से जीरो चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर ये 1 मोल है और ये 1 मोल है तो ये हमें कितना मोल मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है। तो यहां मैंने लिख दिया है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी यदि हम Mg प्लस टू को Mg में बदलेंगे। तो हमें ये मालूम है पहले से, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1 फैराडे होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो हम कहेंगे 2 फैराडे। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि Mg प्लस टू को Mg में बदलने के लिए मुझे कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपका हो जाएगा 2 फैराडे। अब हम इसी श्रृंखला में अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। तो हमारा जो दूसरा सवाल है इसी टाइप का, वो देखिए, 1 मोल MnO4 माइनस से 1 मोल Mn+2 प्राप्त करने में आवश्यक आवेश का मान फैराडे में ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, आपके पास क्या है MnO4 माइनस, अगर हम Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो कैसे आएगी, Mn को हमें क्या मानना पड़ेगा, x प्लस ऑक्सीजन का होता है, हम जानते हैं कि माइनस दो होता है, ऑक्सीजन का माइनस दो होता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या पे अगर आप नहीं, आपको याद है तो रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ लीजिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में ये मैंने बताया था कैसे आप ये निकालते हैं। तो आप Mn को क्या मानेंगे, x, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस दो, लेकिन 4 ऑक्सीजन है इसलिए हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और उसके बाद ये बराबर हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो हम -1 यहाँ बराबर में करेंगे। हमें यह याद रखना है कि अगर यहाँ 0 होता, अगर यहाँ कोई आवेश नहीं होता तो बराबर 0 कर देते, अगर यहाँ प्लस होता तो +1 करते, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ करेंगे -1। अब हम ये हल कर लेंगे और x का मान निकालेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि 4 दुना -8 होगा, जब ये इधर जाएगा तो +8 और +8 -1, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, +7। x बराबर आपको +7 मिल जाएगा, जो कि आपको मैंने यहां लिखकर बताया हुआ है। ओके, अब आप इतना सीख चुके हैं, अब आगे देखिएगा, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है +7 है और हमें Mn+2 प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि मुझे +7 से +2 तक जाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड में 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये 1 मोल है और ये 1 मोल है तो निश्चित रूप से ये हमें कितना मोल लगेगा, 5 मोल। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 फैराडे, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 5 फैराडे। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, आपको मालूम है पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि 1 मोल पर कितना आवेश होता है। ओके, अगर हम कूलाम की बात करें तो 96,500 लगभग में और बराबर 1 फैराडे। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये फर्स्ट टाइप के सवाल हैं, ये फर्स्ट टाइप के सवाल हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को सीखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के सवाल को सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है ये रिडॉक्स रिएक्शन से, और यहां मैंने बताया था कि एन फैक्टर होता है पदार्थ के एक अणु द्वारा ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। पदार्थ के एक अणु द्वारा ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, ये एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर का नाम बार बार आप सुनेंगे, तो इसके बारे में मैं बता देता हूं पहले ही। अब आगे हम अगर चर्चा करें, एन फैक्टर बराबर होता है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, जिसे हम ON से शॉर्ट में लिखेंगे ON, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, तो यहां पे गुणे पदार्थ के एक अणु में, ध्यान देना, पदार्थ के एक अणु में उपस्थित उस तत्व के परमाणुओं की संख्या जिसका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा हो। तो ये बहुत जरूरी है, अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूं तभी आपको समझ में आएगा इस लाइन का क्या मतलब है। तो यहां पे आइए हम कुछ एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है ये बदल रहा है, ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया में बदल रहा है, आप देख सकते हैं।
नाइट्रोजन के लिए जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या जीरो होगी। बात करें इस नाइट्रोजन की, तो अगर इसमें अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसका अगर एक्स मान लें, हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, जब आप इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम N2 की बात करें तो N2 में ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है 0 से -3, तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अगर हमें यह मालूम हो गया, अब हम अगर बात करें N फैक्टर की, जैसे मैंने पूछा नाइट्रोजन का N फैक्टर कितना होगा, तो आप कहेंगे पहले ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हुआ, तो मैंने क्या निकाल लिया, 3, तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन 3 हुआ। अब गुणे उस पदार्थ के एक अणु में, उस पदार्थ के एक अणु में उपस्थित उस तत्व या परमाणुओं की संख्या, तो आप देख सकते हैं एक अणु है इसका और इसमें कितने परमाणु है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 परमाणु है, तो इसकी संख्या 2 है, तो हमने यहाँ क्या किया, 2 से गुणा किया, तो कितना आ जाएगा, 6। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का एन फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। हमें ये बात मालूम है तुल्यांकी भार बराबर अणु भार या परमाणु भार बटे एन फैक्टर, तो मुझे अगर इसका नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अणु भार या परमाणु भार जो नाइट्रोजन का होगा वो मुझे पता है कि नाइट्रोजन का 14 होता है, तो उसका दोगुना करूंगा, तो मुझे अणु भार क्या मिल जाएगा, 28, और 28 को मैं भाग किससे लगा दूंगा, 6 से, तो मुझे तुल्यांकी भार मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल और सीखें हम लोग। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पे अगर चार्ज यहाँ पे है +3, अगर एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है और एल्यूमिनियम +3 से 0 हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मान लीजिए Al2O3 कोई कंपाउंड है, तो इसमें एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा, +3। तो यहाँ देख सकते हैं कि +3 से ये 0 हो रहा है, तो परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन कितना हुआ, 3, और इसमें इस में कितने परमाणु, एक ही है, तो एक से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम का अगर हम कहें एन फैक्टर कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अगला एग्जांपल देखें, तो आप यहां देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो या हम ऐसे कहें कि जो OH- है वो किस में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। तो अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें OH वाले में, तो इसका होता है -2, और अगर हम इस OT की बात करें तो इसका हो जाएगा 0, तो परिवर्तन कितना होगा, 2। ध्यान देना परिवर्तन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, लेकिन हम यहाँ पे बिना चिन्ह को बिना देखे हम यहाँ लिखेंगे, केवल हमें परिवर्तन लिखना है। परिवर्तन जब भी आप निकालते हैं तो आपको ये सिखाया गया है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक आप करेंगे तो आपको परिवर्तन मिलेगा। निश्चित रूप से परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे चिन्ह को ध्यान नहीं देना है। तो अब यहां देखिए ऑक्सीजन का जो एन फैक्टर होगा वो आपको ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन 2 हो गया, और चूंकि हम ऑक्सीजन का निकालना है, इस O2 का निकालना है, तो इसमें इस अणु में कितने परमाणु है, 2, तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ओके, तो O2 का एन फैक्टर कितना हो गया, 4। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो परिवर्तन 1, और यहां हाइड्रोजन H2 की बात है, इस अणु में 2 परमाणु है, तो हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये बात हमें नहीं भूलनी है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ओके, अब आगे आ जाइए, इसी प्रकार क्लोरीन में आप देख सकते हैं परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन गुणे तत्व के परमाणुओं की संख्या। ओके, तो अब हमने एन फैक्टर निकालना सीख लिया, हम सवाल करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आइए हम दूसरा टाइप का सवाल लेते हैं। हमने पहले टाइप में सवाल में सीख लिया था कितना हमें आवेश चाहिए होगा। चलिए सवाल, हम सेकेंड टाइप का सवाल शुरुआत करते हैं, जरा देखिएगा। गलित MgCl2 से 24 ग्राम मैग्नीशियम को मुक्त करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। हमसे क्या कहा है कि हमें जो MgCl2 है ये विद्युत अपघट्य है, ठीक है, हमें इस विद्युत अपघट में मुझे पता है मैग्नीशियम आयन है, और इस मैग्नीशियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे और वहां जमा होंगे, तो वो जमा कितने हो रहे हैं, 24 ग्राम जमा हो रहे हैं। तो कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो कितने कूलाम की आवश्यकता होगी अगर ऐसा हम करेंगे, तो मुझे दिया हुआ है W, मुझसे पूछा गया है Q, तो हमें पता है W समानुपाती Q, W बराबर Z इंटू क्यू, तो यहां से W बराबर हो जाएगा E गुणे क्यू बटे 96,500, क्योंकि हम जानते हैं Z का मान क्या होता है, E अपान 96,500। अब अगर मुझे W मालूम है Q मालूम करना है, ओके, तो मुझे E मालूम करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि मुझे W तो मालूम है और मुझे क्यू मालूम करना है, तो ई मुझे मालूम करना पड़ेगा। तो ई के बारे में अगर हम पड़ताल करें तो ई बराबर क्या होगा,
अणु भार या परमाणु भार बटे एन फैक्टर। तो किसका अणु भार, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, किसको प्राप्त करना चाहते हैं, मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम आपका जो मैग्नीशियम होता है वो उसका जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, 24 होगा। और एन फैक्टर की बात कर लेते हैं हम, तो यहां पे देखिए मैग्नीशियम MgCl2 से अगर हम Mg को अलग करेंगे तो Mg हमें कितना मिलेगा, Mg+2। हमें पहले अलग कर लेना है, ध्यान देना, इस प्रकार भी लिख सकते हैं लेकिन अलग करके आप लिखिएगा, मैं इसको ज्यादा प्रिफेयर करूंगा, ओके, नहीं तो गलती भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इससे MgCl2 से Mg को अलग कर लिया, तो क्या मिला हमें, Mg+2 से मुझे क्या प्राप्त करना है, Mg। तो आप देख सकते हैं अगर इसका एन फैक्टर चाहिए तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो हम कहेंगे 2, और इसमें कितने परमाणु, एक, तो एक से गुणा करेंगे तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2। तो मुझे एन फैक्टर कितना मिला, 2 मिला। अब 2 से भाग कर देंगे, कितना मिला मुझे, एक का मान 12 मिल गया। अब आप समीकरण नंबर एक में मान पुट कर दीजिए, W के स्थान पे 24 ग्राम, ये W का मान ग्राम में हम रखेंगे, E का मान हमें 12 मिल गया, Q का मुझे पता मालूम करना है। अब इतनी छोटी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ओके, तो यहाँ देख सकते हैं हल कर लेंगे तो आपको ये गुलाम में मिल जाएगा मान, ओके। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, अब इसी कड़ी में हम लोग अगला एग्जाम्पल अगर देखें तो सवाल है Al2O3, Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ओके, Al2O3 के किसी विलयन से, कोई विलयन है उनका, चाहे वो गलित विलयन हो या वो जलीय विलयन हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, 100 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करने में कितना समय लगेगा, ओके, टाइम पूछ लिया इस बार। यदि 125 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, हमें क्या बता दिया गया, धारा I, तो हम जानते हैं फराडे का प्रथम नियम W बराबर E गुणे I गुणे T बटे 96,500, वही सेम फॉर्मूला जो हमने इसके पहले वाला किया। तो मुझे क्या क्या मालूम है जरा देख लेते हैं, मुझे W मालूम है, मुझे समय पता करना है, मुझे I दिया हुआ है, बस मुझे क्या निकालना होगा, E। देखिए बार बार हमें E निकालना पड़ेगा, इसलिए E निकालना सीख लीजिए, ई निकालना सीख लिए, सवाल बेहद आसान है। फिर से देखिएगा, मुझे Al2O3 से एल्यूमिनियम को अलग करना है, तो जब मैं इसको अलग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Al+3, Al+3 से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, Al, ओके, क्योंकि Al2O3 में एल्यूमिनियम क्या है, Al+3 ही है, और मुझे ये इसी से क्या मिलना है, मुझे एल्यूमिनियम मिलना है। तो आप देखिए यहाँ पे परिवर्तन कितना है, तुम कहेंगे 3, और एल्यूमिनियम कितना है, हम कहेंगे 1, ओके। तो इसके अणु कितने हैं, हम कहेंगे इसमें परमाणु संख्या 1 है, तो 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। अब फिर से वही फार्मूला, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर हम जानते हैं अणु भार या परमाणु भार, तो क्योंकि ये परमाणु है इसलिए हम इसका लिखेंगे परमाणु भार, तो इसका परमाणु भार होता है 27, और बटे एन फैक्टर, तो एन फैक्टर हमने कितना निकाल लिया, 3 निकाल लिया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9। अब देखो E मिल गया, W मुझे पहले से मालूम था, E मिल गया मुझे, I मुझे मालूम है, T निकालना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे, ओके। एक चीज ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, इस सब का परमाणु भार आप थोड़ा याद कर लीजिए। देखिए वो एग्जाम वाले के ऊपर है कि वो दे सकता है और नहीं भी दे सकता, ओके, लेकिन कुछ जो आप सवाल हल करते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व हैं तो उनको आप याद रखिए, ठीक है, नहीं तो और साड़ी कहाँ खोजेंगे आप। चलिए आगे हम बात करें, तो अगला सवाल अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड हमें NaCl का जलीय विलयन दिया हुआ है, 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, ये स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बच्चे यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, मिली एम्पियर उनको कोई मतलब रहता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि जो आपका धारा है वो एम्पियर में होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सवाल यही कंपटीशन में कर देता है कि आपको मिली माइक्रो देकर परेशान कर देता है और आप वही करके चले आते हैं, जो करवाना चाहता था आपसे वही करके आप चले आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10 मिली एम्पियर की विद्युत धारा कितनी देर तक, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितनी देर तक प्रवाहित की जाए जिससे कि कैथोड पर इतना मोल हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो। तो मुझे हाइड्रोजन गैस के मोल के रूप में, मुझे इस बार ग्राम नहीं चाहिए, मुझे मोल चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे, तो 0.01 मोल H2 गैस प्राप्त हो सके। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट में भी हम पढ़ चुके हैं कि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है मोल गुड़े एन फैक्टर, मोल गुड़े एन फैक्टर। तो अगर हम H2 की बात करें तो हमने H2 के लिए एन फैक्टर निकाला है, ओके, तो
तो एच प्लस से एच टू चेंज हुआ था, तो हमने वहां देखा था कि एच टू का जो इन फैक्टर आया था वो दो आया था। तो मोल इसका दिया हुआ है आपका इतना और एन फैक्टर मुझे इसका दो मालूम है, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0.02। अब मुझे फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए, तो आप ये फार्मूला लगा लीजिए, ग्राम तुल्यांक बराबर आई गुणे टी बटे 96,500। अब इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि आई भी मुझे मालूम है, आई कितना है 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर को हम लिखेंगे 10 × 10⁻³। ओके मिली है इसलिए हम 10³ से गुणा कर देंगे। समय टी अब ग्राम तुल्यांक मुझे मालूम है, समय यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके तो यहां मैंने क्या खास बात यहाँ पे थी कि आपको अगर मोल में कुछ पूछा जाए है ना, तो आप उस मेथड से भी लगा सकते हैं है ना, अगर आप फार्मूला को थोड़ा ओपन करेंगे तो उससे भी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इससे आसान होगा कि अगर आपको मोल के रूप में कुछ दिया हुआ है तो आप ग्राम तुल्यांक का कांसेप्ट ले लीजिए। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा सा ये फार्मूला अगर आप लगा लेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाएगा आपको है ना, तो ये वाला फार्मूला आप लगा लीजिए, नहीं तो फिर वहां से आपको ड्राइव करना पड़ेगा, इसको आएंगे यहीं पे आप। ओके तो वहीं अगर वहां से आप जो उसके पहले हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर ये वाला डब्ल्यू बराबर ई गुणे आई गुणे टी बटे 96,500, तो यहां से जब आप ई को ओपन करेंगे तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर अणु भार या परमाणु भार बटे हम कहेंगे एन फैक्टर। ओके तो यदि हम दोनों पक्षों में अगर हम ग्राम तुल्यांक की बात करें तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार, तो ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार बराबर ग्राम में भार और तुल्यांक की भार को लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे तुल्यांक की भार को, अणु भार या परमाणु भार बटे एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो आपको यही मिल जाएगा। ओके तो ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार, ये आप याद रखिए, और तुल्यांक की भार बराबर होता है अणु भार या परमाणु भार बटे एन फैक्टर, दोनों का डिवाइड करेंगे आप यही पहुंचेंगे आप डायरेक्टली। ओके तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए, इसलिए ये हमने बताया भी था मूल कॉन्सेप्ट में कि ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, अब आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो अभी हमने ये इतने क्वेश्चन डिस्कस किए आपके सामने, तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ मैं होमवर्क आपको दे दूंगा, तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिए और मुझे बताइए जरूर कि आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा फैराडे के द्वितीय नियम पर। ओके फिर वो सवाल सॉल्व हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।